मां मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी एवं वेलांगनी की स्वास्थ्य की माता की नवरोजी प्रार्थना के चौथे दिन में आपका स्वागत करते हैं। हम आपको एक विशेष जानकारी देना चाहते हैं। यदि आप नवरोजी प्रार्थना के पीडीएफ चाहते हैं तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिए हैं हमारे वेबसाइट का, आप उसको क्लिक करके हमारे वेबसाइट में जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज हम विशेष रूप से सभी परिवारों के लिए, विशेष रूप से सभी क्रिस्तीय परिवारों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे परिवार एक संस्कार बन जाए जैसे ईश्वर चाहते हैं। साथ ही हम सभी निस्संतान दंपतियों के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उन्हें संतान सुख प्रदान करें। इन मतलबों के साथ साथ हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को भी मां मरियम के द्वारा पिता ईश्वर के चरणों में चढ़ाते हुए आइए हम आज की नवरोजी प्रार्थना प्रारंभ करें। हे पवित्र प्रेम की माता, तू प्रभु यीशु की मां चुनी गई थी, इस पर हम आनंद के साथ तेरी प्रशंसा करते हैं। देवदूत गैब्रियल की मंगल कामना को हम अपनाते हैं। प्रणाम मरिया, तू कृपा पूर्ण है, तू जब गर्भ में पड़ी तभी ईश्वर ने तुझे सभी कृपाओं से सुसज्जित किया, बाद में तूने कृपाओं के दाता को ही गर्भ में लिया। तेरी स्तुति अपरंपार है, हम पर इतनी दया कर कि हम तेरी स्तुति गाने योग्य बने। प्रभु तेरे साथ है, तेरी नम्रता के कारण प्रभु ने तुझे अपनी माता चुन लिया। तेरे निर्मल कौमार्य के कारण ही ईश्वर के पुत्र ने तेरे गर्भ में देह धारण करना स्वीकार किया। हे करुणामयी माता, हमारे लिए प्रार्थना कर कि जिस प्रकार ईश्वर तेरे गर्भ में आकर तुझसे मिलना रहा, उसी प्रकार संस्कारों द्वारा वह हम में भी सदा निवास करे। धन्य तू स्त्रियों में, आदि माता पिता के कारण श्रापित स्त्रियों ने तुझसे आशीर्वाद पाया। तू स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ है, तू माताओं में पूजनीय है, सुंदरियों में सुंदरतम है। सभी पीढ़ियां तुझे धन्य कहेंगी, हम भी तुझे धन्य कहते हैं। तूने आशीर्वाद पाया है, हमें भी आशीर्वाद दिला। आमीन। स्वास्थ्य की माता की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त दया कर, क्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त हमारी सुन, क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्गवासी पिता ईश्वर, हम पर दया कर। पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्ति दाता, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर। पवित्र तत्व एक ही ईश्वर, हम पर दया कर। आदि पाप रहित उत्पन्न मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। विश्व सृष्टि के पूर्व निश्चित है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। आदि में देवदूतों को सूचित है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। आदम को सूचित है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। पापतम को दूर करने वाली प्रकाश पुंज हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। नबियों द्वारा भोर का तारा सूचित हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। लाभप्रद मेघ स्वरूप हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। भलाई के पात्र हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। धर्म पूर्वजों द्वारा प्रशंसित हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। शैतान का सर कुचलने वाली है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। राजकुल में श्रेष्ठ वंशज है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संतियों की मोरन्ना की पुत्री है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। विशेष प्रसाद स्वरूप जन्मी है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। दूतों और संतों से अधिक
अधिक प्रज्वल हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। सर्वोत्तम भक्तिमय हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वरीय अनुग्रह से प्रकाशित हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश पुत्र से संयुक्त हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। सब संतों में श्रेष्ठ हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। जन्म से ही स्वर्गीय प्रकाश से भूषित हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। तेरे जन्म पर स्वर्ग में जय जयकार हुआ हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। जन्मते ही ईश्वर को अर्पित हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। अत्याधिक मधुर नाम से सुसज्जित हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। बाल्यावस्था में ही मंदिर में अर्पित हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। सर्वश्रेष्ठ कुमारी हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। सभी मठ विश्वासनियों का आदर्श हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। पीड़ितों को धैर्य देने वाली हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। अपने भक्तों का दृढ़ आसरा हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। सब संतों का सरताज हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तूने निष्कलंक कुवारी मरियम को सब कृपाओं से भूषित किया और तेरे पुत्र का पालन पोषण करने के लिए उसे चुन लिया। हमें यह कृपा दे कि हम अपनी प्रार्थना के द्वारा अकाल, युद्ध और सभी रोगों से मुक्त रहे और आनंद के साथ स्वर्ग सिधार सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। विलांकनी माता से रोगियों की प्रार्थना। हे कुवारियों की कुवारी, स्वास्थ्य की स्वामिनी, विलांगनी में विराजमान ईश्वर की माता, तू मेरी आत्मा और शरीर का सहारा है। तेरी दया और शक्ति पर पूरी आशा रखकर मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ। मेरा रोग दूर कर कि मैं तेरे पुत्र की और तेरी महिमा गाऊं। सभी रोगियों को ढाढ़स दिला, यदि उनकी आत्मा के लिए लाभदायक हो तो उन्हें स्वास्थ्य दिला, उनकी अच्छी मृत्यु के लिए सहायता कर। हे कृपामयी माता, मेरे कष्टों को दूर कर, अथवा हे स्वास्थ्य की माता, मुझे वह सहन शक्ति दे कि मैं सभी सांसारिक प्रलोभनों से बचकर अपनी आत्मा को तेरी इच्छा अनुसार पवित्र रखूं। हे दयामयी माता, तूने किसी भी याचक को इनकार नहीं किया, यह तो निश्चय है कि मेरे संकट में तू मेरी मदद करेगी। तू ही पीड़ितों की सहानुभूति है, इस निर्वासन में रोते अभागों के आंसू तू ही पोंछ सकती है। तू ही ख्रिस्तियों की सहायता है, ख्रिस्त की माता होने से तू ही ख्रिस्तियों के पक्ष में सिफारिश कर सकती है। हे दयामयी और शक्तिमती माता, हमारी देखभाल कर, कष्ट पीड़ा से हमारी रक्षा कर। हे स्वामिनी, प्रार्थना कर कि मैं परमेश्वर के साथ अनंत काल तक आनंद पाने के लिए अच्छा ख्रिस्तीय जीवन बिता सकूं। आमीन। आत्मा और शरीर की जरूरतों में प्रार्थना। मेरी स्वामिनी, तू ईश्वर द्वारा दिया गया मेरा सच्चा सहारा है। आतंक के समय, विश्राम के शिविर, पाप के अंधकार में लड़खड़ाती आत्माओं के प्रकाश, निर्बलों के बल, दरिद्रों के धन, पीड़ितों की आशा, मानव प्रेमी ईश्वर की माता होने के नाते मुझ पर दया कर। तू मुझे भली भांति जानती है, इसलिए मैं तुझसे यह विनती करता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी की रानी, कृपा पूर्ण मरिया, पापियों की शरण, पाप सागर में डूबे लोगों के सहारे,
तेरी सहायता से दास मुक्ति पाते हैं। रोगियों के स्वास्थ्य, पीड़ितों के सहारे, संसार मुक्ति के सिंहासन, तेरी शरण में आए मुझ पापी को अस्वीकार मत कर, परंतु मेरी याचना स्वीकार कर। आमीन। विलांकनी माता से नौ रोजी प्रार्थना। हे अति पवित्र कुमारी, पवित्र त्रित्व के द्वारा प्रभु क्रिस्त की माता बनने चुनी गई निष्कलंका, मैं तेरा सेवक तुझे उस महान आनंद की याद दिलाता हूँ। जब ईश्वर का पुत्र तेरे गर्भ में आया, मैं अपनी भक्ति द्वारा तेरे उस आनंद को और भी बढ़ाना चाहता हूँ। पीड़ितों के प्रति करुणामय माता, मेरे पीड़ामय जीवन को आनंदमय बना। तेरे पुत्र की महान शक्ति पर भरोसा रखकर मैं अपनी अर्जियां तेरे सामने रखता हूँ। यदि मेरी ये अर्जियां मेरी आत्मा के लिए लाभप्रद हो तो इन्हें मुझे दिला। यदि मेरी मांगे ईश्वरी इच्छा के प्रतिकूल हो तो मुझे अन्य आवश्यक कृपाएं दिला। यहाँ अपनी मांगे रखें। हे ईश्वर की माता, तुझ पर मेरा भरोसा है, इसलिए मैं यह नौ रोजी प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु के जन्म के समय जो आनंद तुझे प्राप्त हुआ उसकी हम याद करते हैं और उसके सम्मान में यह नौ रोजी प्रार्थना करते हैं। तू उसे सुन और मेरे नौ प्रणाम मरिया को भी स्वीकार कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, संत गैब्रियल के नम्र प्रणाम के साथ मैं भी तुझे प्रणाम करता हूँ। मेरी यह कामना है कि ये प्रणाम मरिया तेरे मुकुट के तारे बनकर चमके,
हे पीड़ितों के आश्रय, सभी संतों के पुण्य कार्यों के खातिर तू मेरी यह मांग पूरी कर। तेरे और तेरे पुत्र के प्रेम की याद करके मेरी अर्जी स्वीकार कर और ईश्वर से यह मुझे प्रदान कर। आमीन। आइए अब हम पवित्र रोजरी विनती के लिए अपने आप को तैयार करें। हे प्रभु, हम अपने को और हमारे सभी प्रिय जनों को, विशेष कर जिनके लिए इन वेदों को चढ़ा रहे हैं, तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। माता मरियम और असंख्य दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरे प्रेम में इन भेदों पर मनन चिंतन और प्रार्थना करने की कृपा हमें प्रदान कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता ईश्वर की प्रिय पुत्री माता मरियम, विश्वास का गुण हमारे अंदर फलवत होने के लिए यीशु से प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पुत्र यीशु क्रिस्त की प्रिय माँ, भरोसा का गुण हमारे अंदर प्रबल होने के लिए यीशु से प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पवित्र आत्मा ईश्वर की प्रियतम कुआरी मरियम, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश प्रेम हमारे हृदय में उमड़ने के लिए यीशु से प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धन्य सार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुआरी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। आनंद के भेद, पहला भेद। गैब्रियल स्वर्गदूत कुवारी मरियम को संदेश देते हैं। चिंतन। स्वर्गदूत गैब्रियल ने कुवारी मरियम से कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है, आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। प्रार्थना। हे प्रभु, कुंवारी मरियम के समान हम भी ईश्वर की इच्छा और योजना के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करते हैं। हमें पवित्र विश्वास से जीवन जीने के लिए कृपा प्रदान कर। हमारे सभी मतलबों के लिए इस भेद को अर्पित करते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ,
प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें आपकी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। दूसरा भेद, मरियम एलिजाबेथ से मिलने जाती है। चिंतन, कुंवारी मरियम अपनी गर्भवती कुटुंबनी एलिजाबेथ से मिलने के लिए यूदा के एक नगर पहुंची। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया तो वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। तब मरियम आत्मा में भजन गाने लगी। प्रार्थना, हे प्रभु, जैसे मरियम का अभिवादन सुनकर एलिजाबेथ और उसका गर्भस्थ बच्चा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए और 3 महीनों तक उन्हें तेरी उपस्थिति का अनुभव मरियम द्वारा मिला, हमें भी माता मरियम के द्वारा ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले। हे प्रभु, सभी निस्संदान दंपतियों, गर्भस्थ बच्चों और बुजुर्ग लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए इस भेद को उनके लिए समर्पित करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में
और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें आपकी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। तीसरा भेद, यीशु मसीह का जन्म। चिंतन। कैसर अगस्तस के राज्यकाल में पहली जनगणना की राजाज्ञा निकाली गई थी, इसलिए यूसुफ अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नासरत से बेतलहम गया ताकि वे अपना नाम लिखवाए। वहीं मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने एक गौशाला में यीशु को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। तब स्वर्गीय सेना ने ईश्वर की स्तुति में गीत गाए। मुक्तिदाता प्रभु यीशु के जन्म की खबर स्वर्गदूतों ने चरवाहाओं को दी। उन्होंने भी जाकर यीशु को चरनी में लेटा देखा और ईश्वर का गुणगान और स्तुति किया। प्रार्थना। हे प्रभु, कुंवारी मरियम के कौमार्य को भंग किए बिना तूने कुंवारी मरियम से जन्म लिया, इसलिए जीवन के अंत तक नित्य कुंवारी बने रहने की कृपा उन्हें प्राप्त हुई। हे कुंवारी माता, सभी पुरोहितों, धर्म बहनों और धर्म संगियों के लिए प्रार्थना कर कि वे अपनी बुलाहट के प्रति ईमानदार रहें और तेरे जैसा एक पवित्र जीवन जी सके। उनके लिए इस भेद को हम समर्पित करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में
और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें आपकी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। चौथा भेद, बालक यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। चिंतन, मूसा की संहिता के अनुसार पुत्र प्रसव के 40 दिनों के बाद शुद्धिकरण का दिन आया, तो माता पिता यीशु को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। सिमयोन नामक धर्मी पुरुष पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। उसने यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए बालक के विषय में भविष्यवाणी करने लगा। अन्ना नामक विधवा नबिया, जो मंदिर में उपवास प्रार्थना करते हुए रहती थी, वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने और बालक के विषय में लोगों को बताने लगी। प्रार्थना। हे प्रभु, समयोन और अन्ना के समान तुझे हमारे हृदय में अनुभव करते हुए सदा स्तुति आराधना करने की कृपा हमें प्रदान कीजिए। बालक और दुधमुहे बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। हे माँ, हमारे परिवार के सभी बच्चों और सभी अनाथ गरीब बीमार बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए कि वे ईश ज्ञान और भक्ति में बढ़ते जाए। सभी बच्चों के लिए हम इस भेद को अर्पित करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें आपकी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। पांचवा भेद, यीशु मंदिर में पाए जाते हैं। चिंतन। जब बालक यीशु 12 बरस का था, तो माता पिता प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक यीशु माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद उन्हें यह मालूम पड़ा, तो वे यीशु को ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने यीशु को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो, तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। यीशु ने अपनी माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की ज़रूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा?
प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, जब माता पिता ने 3 दिनों के बाद तुझे मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठा पाया तो उन्हें कितना आनंद हुआ। तू उनके साथ नाजरेत गया और उनके अधीन रहा। हम सभी बच्चों और युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे तेरे समान अपने माता पिता के अधीन रहकर ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते जाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें आपकी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे पिता,
तेरे इकलौते पुत्र ने अपने जीवन, मृत्यु एवं पुनरुत्थान से हमारे लिए आनंद जीवन प्राप्त किया है। हम तुझसे विनती करते हैं कि पवित्र कुंवारी मरियम की अति पवित्र माला के इन भेदों पर मनन करते हुए जो कुछ वे सिखाते हैं हम उनका अनुकरण करें और जिनकी वे प्रतिज्ञा करते हैं उनको प्राप्त करें, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। याद कर विनती, याद कर हे परम दयालु कुमारी मरियम कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुमारियों की कुमारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ और कराहते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे क्रिस्त की माँ, मेरी विनती को अस्वीकार मत कर पर दया से उसको सुन और पूरा कर, आमीन। प्रणाम रानी, प्रणाम रानी, दया की माँ, हमारा जीवन, हमारी मधुरता और आशा तुझे प्रणाम। हम हेवा की निर्वासित संतान तुझे पुकारते हैं। हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते और विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं। हे हमारी माता, कृपया हम पर दया दृष्टि कर और हमारे इस निर्वासन के बाद अपने गर्भ का पवित्र फल यीशु हमें दिखा। हे दयालु, हे प्रेममयी, हे मधुर कुमारी मरिया, आमीन। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर के पुत्र ने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया, वही ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में आशीष देता रहे, आमीन। जिन धन्य कुंवारी के द्वारा आप लोगों को जीवन के अधिपति प्राप्त हुए उन्हीं के संरक्षण का अनुभव आप लोग सदा और सर्वत्र करते रहें, आमीन। आप लोग भक्ति भावना से भरकर आज पवित्र रोजरी विनती किए हैं, इसलिए आध्यात्मिक आनंद और स्वर्गिक पुरस्कार भी प्राप्त कीजिए, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे, आमीन। हमें बहुत खुशी है कि आप बहुत सारे लोग इस नवरोजी प्रार्थना में भाग लिए हैं, भाग ले रहे हैं, लेकिन एक दुख की बात है कि हमें ये देखने को मिलता है कि हम प्रार्थनाओं में, ऐसी भक्ति प्रार्थनाओं में ज्यादा लोग भाग लेते हैं, लेकिन धर्म शिक्षा पर आधारित पवित्र बाइबल के बारे में हो या अन्य शिक्षाएं बहुत सारी हम इस चैनल में भी देते हैं, इन बहुत कम लोग हम उसको देखते हैं। जैसे कि हर दिन सुबह 6 बजे हम पवित्र बाइबल के एक एक अध्याय हम पढ़ते आ रहे हैं, 1 साल पार हो चुके हैं, बहुत कम लोग हम उसमें भाग लेते हैं। साथ ही अन्य बहुत सारे धर्म शिक्षा पर आधारित वीडियोस भी हैं, आप उनको भी देखिए और अपने विश्वास को और भी गहरे रूप में हम जाने ताकि हम बेहतर क्रिस्तीय जीवन जी सकें। साथ ही साथ हमें से बहुत सारे लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अब से अनुरोध है चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करिए ताकि जब भी हम कुछ वीडियोस पब्लिश करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आए ताकि आप उसका पूरा फायदा उठा सकें और क्रिस्तीय विश्वास में आगे बढ़ सकें। आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया, आशीष देना ओ माँ मरिया,
आशीष देना ओ मां मरिया, तेरे हवाले सारी राह है। आशीष देना ओ मां मरिया, आशीष देना ओ मां मरिया, आशीष देना ओ मां मरिया। बच्चों पर आस हमारी, तब चरणों पर रखना ज्ञान मां, निज बच्चों पर आस हमारी, तब चरणों पर सांझ सवेरे तुझको पुकारे, सांझ सवेरे तुझको पुकारे, जीवन सारा तुझ पर वारे। आशीष देना ओ मां मरिया, आशीष देना ओ मां मरिया, आशीष देना ओ मां मरिया, आशीष देना ओ मां मरिया। सुख है तेरा सबका दाता, जीवन देता विश्व विधाता, सुख है तेरा सबका दाता, जीवन देता विश्व विधाता, शरण तिहारी आए हैं मां, शरण तिहारी आए हैं मां, दान दिलाना राह दिखाना। आशीष देना ओ मां मरिया, 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 तेरी हवाले सारी राह है। आशीष देना ओ मां मरिया, आशीष देना ओ मां मरिया, आशीष देना ओ मां मरिया।